और अब तैमूर मिर्जा पाकिस्तान के नंबर वन ओपनिंग बैट्समैन भी अब क्रीज पर आ गए हैं। टारगेट बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन छोटा भी नहीं है। ये एक ऐसा ट्रिकी टारगेट है टेप बॉल क्रिकेट में, 90 प्लस रन जो होते हैं उसमें बैट्समैन ध्यान भी रख रहे होते हैं, हिटिंग भी कर रहे होते हैं। देखते हैं कि अब चार्जिंग लैपर्स ने जो टारगेट दिया है भगवाल अवान सियालकोट को, वो किस तरीके से हासिल करते हैं। और इसके साथ कमेंट्री टीम में भी तब्दीली होगी, यहाँ दानिश अनीस और के आसिफ ज्वाइन करेंगे। शुक्रिया दानिश अनीस और आरिफ सियाल इस वक्त कमेंट्री पर थे और मेरे साथ हैं दानिश अनीस। दानिश आप देख सकते हैं कि तैमूर मिर्जा जो कि टेप बॉल क्रिकेट के स्टार बैट्समैन माने जाते हैं और इस वक्त वो स्क्रीन पर हैं। दानिश आज बहुत अच्छी क्रिकेट देखने को मिली, चौके छक्के देखने को मिले और ये राणा नवीदुल हसन जो कि चार्जिंग लैपिड्स के मेंटोर भी हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली वन ऑफ द बिगेस्ट ऑलराउंडर्स द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट हैज सीन, राणा नवीदुल हसन चार्जिंग लैपिड्स के मेंटोर की हैसियत से यहाँ पर मौजूद हैं, अपनी टीम को गाइड भी कर रहे हैं। मीनवाइल अगर हम आज के इस मैच की बात करें तो स्ट्राइकिंग पैंथर्स को 90 रन दरकार हैं। याद रहे कल के पहले मैच में 3 रन ही कम बना पाए थे पहले खेलते हुए, 87 रन का टारगेट दिया था हरीफ टीम को, आज 90 रन चेस करने होंगे। तैमूर मिर्जा कल उस अंदाज में नज़र नहीं आए जिसके लिए शोहरत रखते हैं, बट अगर आज अंदाज में नज़र आए तो शायद ये मैच 3-4 ओवर में ही ख़त्म हो जाएगा। आसिफ जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, तैमूर मिर्जा जिनका ताल्लुक गुजरांवाला से है और ये उनका होम ग्राउंड है, सामना करेंगे ज़हीर कालिया का और इस दफा पहली गेंद पर इसको खेल दिया है मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से 6 रन के लिए और कोई बहुत ही शानदार वेलकम किया है ज़हीर कालिया का। बिल्कुल बहुत ही शानदार वेलकम, ज़हीर कालिया को स्लो बॉलर नहीं है, बहुत ही पेसी हैं, बहुत गोली की रफ्तार से इनकी बॉल आती है और देखिए आप कितना क्विकली कितना जल्दी तैमूर मिर्जा ने इनको रीड किया। इवन दो इट वाज अ फुल टॉस इट स्टिल नीडेड टू बी कनेक्टेड और क्या ज़बरदस्त कनेक्शन मिला तैमूर मिर्जा को, एलिवेशन भी हासिल की, डिस्टेंस भी गई बॉल और एक ज़बरदस्त छक्का हासिल किया। और ज़हीर जिन उर्फ उस्ताद ज़हीर कालिया जिनका ताल्लुक लाहौर से है, ये आप देख सकते हैं इनका सामना करेंगे तैमूर मिर्जा ज़हीर कालिया और अच्छी बेटर लेंथ, अच्छा कम बैक किया इस दफ़ा, इसको खेला मिड विकेट की जाने, एक रन हासिल किया और बहुत अच्छा मैच देखने को मिलेगा। दोनों ही सुपरस्टार हैं, ज़हीर कालिया बॉलिंग में शोहरत रखते हैं, तैमूर मिर्जा बैटिंग में शोहरत रखते हैं टेप बॉल क्रिकेट को लेकर। बिल्कुल, चेंज ऑफ पेस इज नेम ऑफ द गेम। आज चार्जिंग लेपर्ड्स अपना पहला मैच खेल रहे हैं, उसाम अली जो कि नॉन स्ट्राइकर एंड पे मौजूद है अब स्ट्राइक पर हैं, सामना करेंगे ज़हीर कालिया का। देखते हैं किस तरह साथ देते हैं तैमूर मिर्जा को, जो खाता ऑलरेडी खोल चुके हैं अपनी टीम के लिए, एक ज़ोरदार छक्के के साथ दूसरी गेंद पर सिंगल आया। अब बारी है उसामा की, फुल टॉस डिलीवरी और इसको खेल दिया है गैप में मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के दरमियान से, अंपायर का इशारा देखना होगा इस दफा और अंपायर कंफर्म कर रहे हैं फील्डर से एकदम, और अंपायर का इशारा कि ये अनदर मैक्सिमम दानिश, सो बहुत अच्छा आगाज है अब तक। बिल्कुल शानदार आगाज़ फराम किया है दोनों ओपनर्स ने स्ट्राइकिंग पैंथर्स को और दोनों ही जारहाना मिजाज रखते हैं और दिखाते आ रहे हैं अपनी स्किल्स। बॉल किया करें भाई, साइड भी हो जाए भाई, वेरी वेरी क्लोज कैच हो सकता था बट सीधा गैप के बीच में गया। और दानिश ये बिल्कुल नो बॉल है ऐसा लगता है, यहाँ पर दानिशमंदी का मुजाहरा करना होगा ज़हीर कालिया को, अब तक काफ़ी महंगा ओवर साबित हुआ है। बहुत ही अच्छी गेंद और ये वो बॉलिंग है जिसके लिए ज़हीर कालिया पहचाने जाते हैं, अपनी शोहरत रखते हैं पूरे पाकिस्तान में और एक बहुत बड़ा नाम है ज़हीर कालिया, लाहौर से ताल्लुक़ है और उर्फ उस्ताद कहा जाता है इन्हें। आखिरी वक्त में अपने रिस्ट से एक जक भी मारते हैं जिसकी वजह से इनको एक्स्ट्रा बाउंस भी मिलता है, पेस भी जनरेट करते हैं, अच्छी पेस से बॉलिंग कर रहे हैं इस वक्त ज़हीर कालिया। लेकिन कल स्ट्राइकिंग पैंथर्स के बॉलर्स इतनी ज़्यादा चेंज ऑफ पेस नहीं दिखा रहे थे, आज आपने देखा कि आसिफ कि ज़्यादा चेंज ऑफ पेस का इस्तेमाल किया गया जिसकी वजह से बैकफुट पर रहे चार्जिंग लेपर्ड्स के बैट्समैन। बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन आपकी दानिश, आपको भी दाद देना होगी और बिल्कुल आपने ठीक कहा, इस वक्त ज़हीर कालिया बॉलिंग के लिए तैयार हैं, शॉर्ट रन अप से बॉलिंग करते हैं। बहुत ही अच्छी गेंद और बहुत क्विक डिलीवरी थी, बॉल ने राइज किया और शानदार बॉलिंग।
इसे कहते हैं तीखा बाउंसर के आसिफ, जोरदार बाउंसर कराया और एक बार फिर देखिए ज्यादा शॉर्ट ऑफ लेंथ नहीं पटक रहे हैं, बॉल को गुड लेंथ से उठा रहे हैं और यही रिस्ट का कमाल है जहीर कालिया की, डेडली बॉलिंग कर रहे हैं। बिल्कुल छोटा सा इनका रन अप है, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर हैं, मुझे तो ऐसा लगता है ये फास्ट बॉलर हैं, जितने छोटे रन अप से इतना अच्छा बाउंसर करना ये आसान नहीं होता। इंटरनेशनल क्रिकेट में भी हमने देखा है वसीम अकरम शॉर्ट रन अप से बॉल करते थे, क्विक बाउंसर्स यूज़ करते थे, जहीर का भी रन अप जो है वो शॉर्ट सा है और इन्होंने अपनी फिटनेस के ऊपर बहुत काम किया है। ज़्यादातर शॉर्ट बॉलिंग पे इंतजार कर रहे हैं जहीर खालिया, एक बार फिर शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी लेकिन इस बार थोड़ा अंदर की तरफ भी कट के आया बॉल, ऐसा लगा कि जहीर खालिया ने अपनी फिंगर्स को रोल किया था बॉल पर और रूम के लिए क्रैम कर रहे हैं बैट्समैन को। इस बार उसाम अली स्ट्राइक पर होंगे, 16 रन ऑलरेडी आ चुके हैं सिर्फ। बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं और अगर जहीर कालिया को 16 रन लगते हैं तो इसका मतलब यह है तैमूर मिर्ज़ा ने 8 रन बनाए हैं, उसामा अली नॉट आउट है 7 पर और ये कमाल प्रोडक्शन है एक्सक्लूसिव जियो सुपर की और जितनी भी दाद दी जाए कम है। शानदार कैमरा वर्क आपको देखने को मिल रहा है, सनसनीखेज मैचेस देखने को मिल रहे हैं, ट्रिपल एसोसिएट्स प्रेजेंट्स मारकोट चैंपियंस लीग 2021। पहले ओवर की आखिरी गेंद है, अब तक अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया है सियालकोट पैंथर्स ने। इस बार बड़े स्टाइलिश अंदाज से फ्लिक किया लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में जिन्होंने एक और फंबल किया और एक और कैच ड्रॉप देखा है हमने। जहीर कालिया बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रहे और यकीनी तौर पर एक आसान कैच था, पहली ओवर में अगर विकेट हासिल हो जाती तो एक ओवर के अख्तिताम पर अभी आप एक देख सकते हैं आप इस दफा इसको टांग पर ये गेंद की थी, इसको फ्लिक किया था और बहुत ही आसान कैच ड्रॉप किया और जब ऐसे कैचेस ड्रॉप होते हैं दानिश तो दिल मिला उठता है, ये कैच ड्रॉप नहीं होने चाहिए। ऐसा लगता है बिल्कुल आखिरी मोमेंट पे मिसरीड कर गए, शायद समझ रहे थे कि बॉल उनके हाथ में ही आएगा, आखिरी मोमेंट पर उन्होंने एक एक्स्ट्रा कदम आगे की तरफ निकाला और उस चक्कर में फंबल कर गए। पहले ओवर के अख्ताम पर 17 रन बनाए हैं स्ट्राइकिंग पैंथर्स ने और ये आ गए हैं जाहिद कर्नल बॉलिंग करने के लिए, लाहौर कलंदर्स की नुमाइंदगी भी कर चुके हैं T10 लीग में। एग्जैक्टली कर्नल जाहिद को स्पीड गन कहा जाता है और अबू धाबी में होने वाली T10 लीग में लाहौर कलंदर्स का हिस्सा थे और आज हम इनको एक्शन में देखेंगे गुजरांवाला के जिना स्टेडियम में और आज इनके ऊपर भारी जिम्मेदारी आयद होती है। दूसरी जानेब भी टेबॉल क्रिकेट के अजीम बैट्समैन हैं और पाकिस्तान के बेहतरीन बैट्समैन तैमूर मिर्ज़ा और उसामा, सो अब देखना ये है कि इस वक्त कौन बाजी लेकर जाता है। चार्जिंग लेपर्ड्स इस टूर्नामेंट में काफ़ी बड़ी स्ट्रेंथ दिखा सकते हैं अपनी, बिकॉज अगर आपके पास कर्नल जाहिद और जहीर कालिया जैसे बॉलर्स हों जो आपकी इनिंग्स का आगाज़ करें एज बॉलर्स तो आई एम श्योर कोई भी बैटिंग लाइनअप प्रेशर महसूस करेगी, लेकिन इस वक्त स्ट्राइकिंग पैंथर्स अच्छी बैटिंग का मुजाहरा कर रहे हैं और कर्नल जाहिद जो है वो PSL का स्क्वाड में भी थे लाहौर कलंदर्स के और आउटसाइड की ऑफ स्टंप डिलीवरी और विकेट कीपर भी इसको मिस कर गए, ऐसा लगता है एक्स्ट्रा के 2 रन मिल जाएंगे और आगाज़ जो है वो कोई इतना मुतासर कुन नहीं था कर्नल जाहिद का। जितना बड़ा नाम उतनी ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस के आसिफ, जाहिद कर्नल से बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं उनकी टीम को कि यहाँ ना सिर्फ एक अच्छा ओवर कराएं बल्कि विकेट भी हासिल करें अपनी टीम की और अगर तैमूर मिर्ज़ा की विकेट ले ली तो मैच में वापस आ जाएंगे। जी हाँ, कर्नल साहिद जिनको स्पीड गन कहा जाता है, इनका ताल्लुक भी लाहौर से है, तैमूर मिर्ज़ा इनका सामना करेंगे और इस दफा इसको ऊंचा खेला है कर्नल साहिद, खुद भाग कर गए और ड्रॉप कर दिया कैच और ये बिल्कुल ही एक ऑर्डिनरी एफर्ट, ये कैच होना चाहिए था दानिश। आसिफ ही डिड द हार्ड वर्क, भाग के गए बॉल की लाइन तक पहुंचे लेकिन आखिरी मोमेंट पर अपनी निगाहें हटा ली, देखें इतना ज्यादा ऊपर भी नहीं गया था बॉल, कर्नल जाहिद डिड द हार्ड वर्क, बॉल तक पहुंचने में भी कामयाब हुए, बिल्कुल आखिरी मोमेंट पे बॉल से नजर ही हटा ली। ऐसे नहीं चलेगा, ये कैचेस आपको लेना होंगे अगर आपने मैच जीतना है। एक इंपॉर्टेंट विकेट थी तैमूर मिर्ज़ा की और तैमूर मिर्ज़ा अगर इस मौके पर आउट हो जाते तो फिर सारा प्रेशर स्ट्राइकिंग पैंथर्स पर आ जाना था और मौका ज़ाया कर दिया,
उसामा अली इस वक्त नॉट आउट है 8 रन पर। मुकर्नल जाहिद बहुत अच्छी गेंद थी उनकी। और एक और शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी है जिसको कनेक्ट करने में नाकाम रहा है उसामा। शेयर पेस का मुजाहरा कर रहे हैं इस वक्त कर्नल जाहिद, और लेंथ इनके मामले में इतनी ज़्यादा इस वक्त मैटर नहीं कर रही बिकॉज पेस इतनी है कि आसिफ के आपको बहुत शार्प रिफ्लेक्सेस का मुजाहरा करना पड़ेगा कनेक्ट करने के लिए। एग्जैक्टली, इट्स ऑल अबाउट योर सुपर्ब रिफ्लेक्सेस। अगर आपके रिफ्लेक्सेस काम नहीं करेंगे तो आप बाउंड्री और मैक्सिमम हासिल नहीं कर सकते अगेंस्ट कर्नल जाहिद। ज़बरदस्त स्पीड के साथ बॉलिंग करते हैं इसीलिए इनको स्पीड गन कहा जाता है। दूसरी जानब ये तैमूर मिर्ज़ा हैं जो कि माने जाते हैं छक्कों के लिए मशहूर हैं और गुजरांवाला से इनका ताल्लुक है। कर्नल जाहिद जो कि पार्ट रहे हैं लाहौर कलंदर्स का, अबू धाबी T10 लीग में खेले थे और स्क्वाड का हिस्सा थे PSL में भी, आज इनसे उम्मीदें वाबस्ता हैं। उनका सामना करेंगे तैमूर मिर्ज़ा। एक और शॉट ऑफ लेंथ डिलीवरी, तैमूर मिर्ज़ा इसको लेग स्टंप की जानिब स्लॉक करना चाहते थे, हालांकि खासा आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल गिरा था लेकिन उसको लेग स्टंप की जानिब खेलना चाहते थे। इसी शॉट को अगर वो ऑफ साइड की जानिब खेले तो ज़्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं। तैमूर मिर्ज़ा भी अच्छी पक्की क्रिकेट खेलने वाले लगते हैं और अच्छे पक्के शॉट्स खेलते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा दानिश, अगर इस बॉल को कवर्स में खेला जाता और हल्का सा स्टीयर भी किया जाता तो आपको रन मिल सकते थे। वैसे ये बात भी है कि आसिफ के बॉल होने के बाद और कॉम बॉक्स में बैठ के हमें बड़ा आसान लग रहा है, उनके पास शायद स्प्लिट सेकंड होता है सोचने के लिए, एक सेकंड भी नहीं मिलता शॉट डिसाइड करने के लिए। और यही एक कमेंटेटर की ड्यूटी है कि वो देखने वाले व्यूअर्स को और यंगस्टर्स को ये बताए कि इस बॉल पर यह भी मुमकिन हो सकता था। तैमूर मिर्ज़ा अब सामना करेंगे कर्नल जाहिद का, बहुत ही अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा। और अब ये देखते हुए कि जो तैमूर मिर्ज़ा हैं ये सिर्फ ऑन साइड पर जा रहे हैं, बहुत ही अच्छी लाइन का मुजाहरा। तैमूर मिर्ज़ा ने भी इसको एंजॉय किया, दोनों जानिब से स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा। बिल्कुल, कि आसिफ कितने अच्छे स्पिरिट का मुजाहरा कर रहे हैं इस वक्त, हालांकि दोनों हरीफ प्लेयर्स हैं। तैमूर मिर्ज़ा अपना एक नाम रखते हैं, कर्नल जाहिद अपना एक नाम रखते हैं, दोनों जानी पहचानी सेलिब्रिटीज़ हैं टेप बॉल क्रिकेट की और एक दूसरे को टफ टाइम देते हुए एक दूसरे पर बाजी ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, इस वक्त कशमकश जारी है, जंग जारी है बॉल और बैट के दरमियान। बेहतरीन बल्लेबाज तैमूर मिर्ज़ा इस वक्त सामना कर रहे हैं स्पीड गन कर्नल जाहिद का, और इस दफा बाउंसर करने की कोशिश की और इसको वाइड डिलीवरी करार दिया है। और इसके साथ साथ ये इशारा भी किया कि एक बाउंसर है और आपको एक बाउंसर से ज़्यादा अलाउड नहीं है। टाइमलाइन देख लीजिए, दो एक्स्ट्रेस हैं, एक्स्ट्रेस से अवॉइड करना होगा। बिल्कुल, ओवर द शोल्डर का तो इतना इशू नहीं था बट डायरेक्शन का ज़रूर इशू था। दिस वॉज गोइंग टूवर्ड्स द लेग साइड, लिटिल हार्श और शायद हाइट पे भी वाइड हो सकती है। यकीनी तौर पर ये हाइट को अंपायर ने जांचा और फिर इसको वाइड डिक्लेयर किया। तैमूर मिर्ज़ा ने अब तक 9 रन बनाए हैं, नॉट आउट हैं। उसामा अली ने भी 9 रन बनाए हैं। फुल टॉस डिलीवरी, और ये गलती कर दी क्योंकि तैमूर मिर्ज़ा ने इसको पहुंचा दिया है गुजरांवाला से भी बाहर लाहौर की जानिब। 6 रन, इतने ज़बरदस्त डिसिप्लिन का मुजाहरा कर रहे थे जाहिद कर्नल इधर, लेकिन इस बार थोड़ी सी चूक हो गई। ऐसा लगता है कि यॉर्कर लेंथ पर फोकस करना चाह रहे थे लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। तैमूर मिर्ज़ा इज़ टू गुड टू मिस दिस। और बिल्कुल आपने ठीक कहा, तैमूर मिर्ज़ा ने दोनों जो दो छक्के लगाए हैं दोनों फुल टॉस डिलीवरी के ऊपर, सो एक्चुअली वो यॉर्कर करना चाह रहे थे कर्नल जाहिद। आइडिया तो अच्छा था लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं कर पाए और इसका भरपूर फ़ायदा उठाया तैमूर मिर्ज़ा ने। यह गलती नहीं करनी होगी तैमूर मिर्ज़ा के सामने। और इस ओवर की अब आखिरी गेंद है, एक और अच्छी डिलीवरी, ओवर की आखिरी गेंद थी, एंडेड द ओवर रियली वेल। कर्नल जाहिद की जानिब से अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा, आफ्टर 2 इट्स 28 विदाउट लॉस। Triple A Associates presents Marco Champions League 2021. आज दूसरा दिन, दूसरा मैच, स्ट्राइकिंग पैंथर्स बैटिंग कर रहे हैं। तैमूर मिर्ज़ा ने अब तक 15 रन बनाए हैं जिसमें दो मैक्सिमम शामिल हैं। उसामा अली नॉट आउट हैं 9 रन पर, और अब दो का इख्तिताम हुआ है, एक्स्ट्रा 4 हैं। अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया है अब तक कर्नल जाहिद और ज़हीर कालिया ने, दोनों ही टेप बॉल क्रिकेट के सुपर्ब किस्म के बॉलर हैं, पूरे पाकिस्तान में इनकी शोहरत है।
फैन फॉलोइंग है बहुत बड़ी तादाद में। ज़हीर कालिया अपना दूसरा ओवर भी करेंगे, ज़ेबी बट उनके साथ हैं। इस वक्त मशवरा जारी है कि दोनों बैट्समैनों को ट्रैप कैसे करना है। एक बार फिर वही स्ट्रैटजी, वही ट्रेंड हम देख रहे हैं कि पहले ही अपने पक्के बॉलर्स से ओवर्स करा दिए जाते हैं। इस वक्त ज़हीर कालिया अपना दूसरा और आखिरी ओवर करा रहे हैं। दो ओवर्स का कोटा है इस 6 ओवर के मैच में। देखना होगा ज़हीर कालिया इस ओवर में विकेट लेने में कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं, क्योंकि अगर मैच आखिरी ओवर तक जाता है तो इनकी ज़रूरत पड़ सकती है इनकी टीम को। ज़हीर कालिया ने पहले ओवर में आउट कर दिया था तैमूर मिर्ज़ा को, लेकिन कैच ड्रॉप हुआ था। कर्नल ज़ाहिद ने भी उनका कैच ड्रॉप किया और बहुत ही अच्छी डिलीवरी इस दफ़ा। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होता है टेप बॉल में कि फाइन लेग कंप्यूटर बहुत ज़्यादा फाइन होता है और बिल्कुल ही विकेट कीपर के पीछे होता है, हम देख सकते हैं। बिल्कुल, आप सोचते रह जाएंगे कि ये फाइन लेग पे खड़े हैं या थर्ड मैन पे खड़े हैं। एट टाइम्स तो ऐसा होता है कि कुछ फील्डर्स बिल्कुल विकेट कीपर की सीध में खड़े होते हैं, उनको बताना पड़ता है भाई थोड़ा सा इधर या उधर हो जाओ। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये डग आउट है और ये प्लेयर्स इस पर बिल्कुल डग आउट थोड़ा सा परेशान लग रहा है, क्योंकि आसानी से रन नहीं लेने दे रहे दोनों बॉलर। ज़हीर कालिया इस वक्त अपना दूसरा ओवर कर रहे हैं और तैमूर मिर्ज़ा उनका सामना करेंगे। अब तक अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया है ज़हीर कालिया ने, इनको उस्ताद माना जाता है टेप बॉल क्रिकेट में, इनका ताल्लुक लाहौर से है। शॉर्ट रन अप से और इस दफ़ा कनेक्ट कर दिया है और इस दफ़ा ऐसा कनेक्ट किया कि बॉल चली गई गुजरावाला स्टेडियम के बाहर 6 रन के लिए। लेग बाउंस खाकर ही सही, बट बॉल ग्राउंड से बाहर जा चुकी है और यही पावर है तैमूर मिर्ज़ा की। हालांकि काफ़ी स्पीड से बॉल हो रहा है बट शॉर्ट ऑफ लेंथ था, टाइम फराम किया तैमूर मिर्ज़ा को बल्ला घुमाने के लिए, रूम दिया उनको बल्ला घुमाने के लिए, यानी कनेक्टेड ब्रिलियंटली। और इस शॉट से मुझे साउथ अफ्रीका के बैट्समैन हर्षल गिब्स याद आ गए, वो भी कमाल का पुलर हुक करते थे। व्हाट्स नेक्स्ट फॉर तैमूर मिर्ज़ा, बॉल्स कंफर्म कर रहे हैं कितनी हो चुकी है ताकि ट्रैक रख सके सिचुएशन का, सारी कैलकुलेशंस दिमाग में चल रही होती हैं। साइडलाइंस की तरफ चलते हैं जहां मौजूद हैं इस्मा असलम। ओवर टू यू इस्मा। थैंक यू सो मच दानिश। इस वक्त मैं मौजूद हूं चौधरी सिद्दीक महर के साथ जो कि चार्जिंग लेपर्ड्स टीम के ऑनर हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज गुजरांवाला में इतनी तब्दीली है कि गुजरांवाला ग्रीन और क्लीन के हवाले से भी इन्होंने बहुत, कमिश्नर साहब और डिप्टी कमिश्नर साहब ने बहुत काम किया और आज हम इस ग्राउंड में आके ये महसूस कर रहे हैं कि हम यहाँ पेरिस की ग्राउंड में हैं या किसी और ग्राउंड में हैं। हाँ जी, काम काफ़ी हुआ है स्टेडियम पे। इतने अरसे के बाद क्रिकेट वापस आई है, टेप बॉल लीग हो रही है गुजरांवाला में, क्या मैसेज जा रहा है आपकी तरफ से जो लोग देख रहे हैं टीवी स्क्रीन्स पर? ये अरसा दराज से, ये काफ़ी देर बाद ये इवेंट हुआ है गुजरांवाला में, बहुत जोश व खरोश है और आवाम तो बाहर इतनी हज़ारों की तादाद में लोग खड़े हैं और इंशाल्लाह ताला इस तरह के इवेंट इंशाल्लाह गुजरांवाला में होते रहेंगे। यही तब्दीली है और यही इमरान खान ने हमें ये मैसेज दिया। अपनी टीम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज उन लोग इतना ज़्यादा कोई टोटल बोर्ड पे लगा नहीं सके हैं वो, आपको लगता है कि डिफेंड कर पाएंगे? इंशाल्लाह ताला लेपर्ड्स टीम इंशाल्लाह जीतेगी और इंशाल्लाह ज़रूर जीतेगी, हमारी साथ है। थैंक यू सो मच, ओवर टू यू कमेंट्री बॉक्स। थैंक यू सो मच इस्मा। इस वक्त 35 रन बना चुकी है स्ट्राइकिंग पैंथर्स की टीम, तैमूर मिर्ज़ा अभी तक क्रीज में मौजूद है। जब तक ये क्रीज में मौजूद है इनकी टीम को एक उम्मीद जरूर होगी कि मैच इन्हीं का है। कीपिंग इन माइंड कि 90 रन चेज कर रहे हैं, इट्स नॉट टू बिग ऑफ अ टोटल, ऑलमोस्ट 117 भी चेज हो गया था पिछले मैच में। बिल्कुल ठीक कहा आपने दानिश, तैमूर मिर्ज़ा इस लाइयत रखते हैं कि 6 गेंदों पर 6 छक्के लगा सकें। दूसरी जानब ज़हीर कालिया के पास ये सलाहियत है कि वो मेडन ओवर भी कर सकते हैं, 6 गेंदों में से 3 गेंदों पे विकेट्स भी ले सकते हैं। तो ज़बरदस्त मुकाबला है इस वक्त गेंद और बल्ले के दरमियान, तैमूर मिर्ज़ा सामना करेंगे और इस दफ़ा इसको बोल्ड कर दिया और ये वो की विकेट थी जिसका इंतज़ार था, इनसाइड एज हुआ और आपने देखा बोल्ड हो गए तैमूर मिर्ज़ा। और जो हम कह रहे थे कि ज़बरदस्त जंग जारी है और बल्ले और गेंद के दरमियान फिलहाल ज़हीर कालिया जीत चुके हैं। बिल्कुल, तैमूर मिर्ज़ा डिड विन अ फ्यू बैटल्स बट द वॉर हैज़ बीन वन बाय ज़हीर कालिया। ज़हीर कालिया बिल्कुल इसी चीज़ के अटेम्प्ट कर रहे थे, गुड लेंथ पर पिच करके बॉल हल्का सा अंदर काटने की कोशिश कर रहे थे ताकि अगर उनके खिलाफ फ्लैश किया जाए तो तैमूर मिर्ज़ा आउट हो सकें और बिल्कुल ऐसा ही हुआ, इनसाइड एज लगा और वो सीधा स्टम्प्स को जा लगा।
और ज़हीर कालिया ने इस वक्त डगआउट में भेज दिया, ये देख सकते हैं। तैमूर मिर्ज़ा वंस अगेन इसको ज़ोरदार तरीके से खेलना चाहते थे, लाइन मिस कर गए, बोल्ड हो गए और ख़ुद भी ज़हीर कालिया की इस गेंद पर तैमूर मिर्ज़ा बिल्कुल खुश नहीं होंगे। ये इस वक्त 21 रन बनाए ज़हीर कालिया ने, स्ट्राइक रेट 190 उनकी ज़रूरत थी, उनको चांस भी मिला था कि वो आज एंड तक जाएं और फिर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाएं, लेकिन दाद देनी होगी ज़हीर कालिया को। शानदार बॉलिंग का मुजाहरा। दिस इज़ वेयर थिंग्स बिकम मोर इंटरेस्टिंग। इम्पॉर्टेंट प्राइज विकेट मिल चुकी है इस वक्त चार्जिंग लेपर्ड्स को, उनके ओनर्स का इंटरव्यू लकी साबित हुआ उनके लिए, बड़ी विकेट मिली। बिल्कुल, अभी उनके ओनर्स जिस वक्त से बात कर रहे थे उस टीम में, उनका बिल्कुल हम ज़रूर जीतेंगे और यही पैशन होता है जो आपको जीत की तरफ लेकर जाता है। नासिर पठान बैटिंग के लिए आए हैं, इनका ताल्लुक फैसलाबाद से, ज़हीर कालिया का सामना करेंगे। एजुआ लकी रहे, विकेट कीपर ने एक ऊंची जंप लगाकर इसको कैच करने की कोशिश की थी। बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग कर रहे हैं ज़हीर कालिया, बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर इंतहाई फाइन लेग ने कवरिंग की और बॉल को बाउंड्री लाइन के पार जाने से रोका। ये दानिश वो जो आप कह रहे थे ना कि इसको हम डिफाइन नहीं कर पा रहे, क्या है ये फाइन लेग है या थर्ड मैन है, एग्जैक्टली वही पोजीशन हो गई थी, ऑलमोस्ट स्टंप्स के पीछे गई बॉल, आप देख भी सकते हैं कर्नल जाहिद को बैट्समैन के बैकग्राउंड में। एग्जैक्टली, और अब तक बेहतर ओवर है, सिर्फ 8 रन बने हैं और एक इम्पॉर्टेंट विकेट हासिल की है तैमूर मिर्ज़ा की ज़हीर कालिया ने। इस ओवर की आखिरी गेंद करेंगे, इम्प्रेसिव बॉलिंग, इम्प्रेसिव, और बीट कर दिया आउटसाइड द ऑफ स्टंप डिलीवरी, और 3 ओवर्स के अख्तिताम पर स्ट्राइकिंग पैंथर्स 36 for 1। राइट, स्ट्राइकिंग पैंथर्स को अगर ये मैच जीतना है तो जो मोमेंटम तैमूर मिर्ज़ा ने उनको फराहम किया है वो टूटना नहीं चाहिए, वो मोमेंटम जारी रहना चाहिए अगर स्ट्राइकिंग पैंथर्स ये मैच जीतना चाहते हैं। दूसरी जानेब चार्जिंग लेपर्ड्स अगर इस मैच में वापस आना चाहते हैं तो एक दो विकटें और एक और ओवर अच्छा आ जाए तो गेम मेन हो जाएंगे। मीनवाइल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कमेंटेटर फरहान निसार हमें ज्वाइन कर चुके हैं। फरहान, अब तगड़े मैचेस देखने को मिल रहे हैं आज तो, 117 रन भी ऑलमोस्ट चेज हो गया था, क्या ज़बरदस्त इंटेंस मैच था वो। बिल्कुल दानिश, आज जो पहला मैच खेला गया हाई स्कोरिंग मैच था और चौको छक्कों की हमें बहार देखने को मिली, और आज ये स्टार्स क्रिकेटर्स जो हैं ये आमने सामने हैं। जाहिद कर्नल जिनके बारे में अभी आसिफ बता रहे थे कि लाहौर कलंदर्स की ये नुमाइंदगी कर चुके हैं T10 क्रिकेट में, और अभी तैमूर मिर्ज़ा जैसा बड़ा नाम उन्हें ज़हीर कालिया ने आउट किया, तो ये स्टार्स का मैच है आज। एक और अच्छी डिलीवरी कर्नल जाहिद की, इतनी पेस से बॉल करते हैं कि ज़रा सी शॉर्ट ऑफ लेंथ भी हो तो इतना मसला नहीं होता क्योंकि बैट्समैन इतने क्विक आर्म्स दिखा नहीं पाता अनलेस तैमूर मिर्ज़ा बैटिंग कर रहे हो। फरहान जी हाँ, कर्नल जाहिद अपनी रफ्तार के हवाले से शोहरत रखते हैं और इसी तरह टेप बॉल क्रिकेट से वो लाहौर कलंदर्स के ट्रायल्स के लिए आए और अपनी रफ्तार से उन्होंने आकिब जावेद को मुतासिर किया और लाहौर कलंदर्स का हिस्सा बन गए, तो रफ्तार ही सब कुछ है दानिश टेप बॉल क्रिकेट में। कर्नल जाहिद थोड़ा सा टाइम लेते हैं बॉल करने से पहले, फोकस करते हैं कि अगली बॉल कहां फेंकनी है। यॉर्कर करने की कोशिश की, आगे गिरा, दो फील्डर बॉल के नीचे आए और एक दूसरे को देख रहे और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, तो यूं जोरदार छक्का अंपायर सादी ने अपने हाथ फिजा में बुलंद किए जिसका मतलब था कि उसामा के बल्ले से एक और छक्का निकला है। ऑल दैट वॉज अ फ्लिक, और बिल्कुल जान नहीं लगाई, सिर्फ फ्लिक किया है उन्होंने, कमाल रिस्क का मुजाहिरा इस वक्त किया है उसामा अली ने। ये देखिए गेंद काफी देर हवा में रहा और बाउंड्री लाइन के बाहर गिरा, और ये एक और तमाशाई, नन्हे तमाशाई, ये उसी सिक्स की प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं हमें अपनी स्क्रीन्स पर। उसामा सामना करेंगे जाहिद का, इस वक्त एक और जोरदार छक्का रसीद कर दिया, पहले से बड़ा छक्का था ये और यकीनन ये सियालकोटी दरवाजे के पास जाकर गिरा होगा।
इस बार थोड़ी सी ताकत लगाई थी अपने शॉट में उसामा ने, इस बार अपने कंधों का इस्तेमाल किया था, फोर्स देखे आप, और फिर रिस्ट से फ्लिक भी किया टुवर्ड्स द एंड। एक मखसूस अंदाज में खेलते हुए नजर आ रहे हैं उसामा अली, अच्छी बैटिंग कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, इसी तरह खेलते रहे तो मैच एक और जीत सकते हैं कंसेक्यूटिवली। कल भी उन्होंने शानदार इनिंग्स खेली थी और आज भी उसी फॉर्म को यहाँ पर जारी रखे हुए हैं उसामा अली, और अब तीसरे छक्के के इंतजार में उनके सामने कर्नल जाहिद। इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट इजी। और इस पर तो ऑफ स्टंप से थोड़ा बाहर गेंद किया था, अंपायर ने इसको वाइड सिग्नल नहीं दिया। उसामा देखते रह गए अंपायर को, छक्कों की हैट्रिक जरूर मिस की, लेकिन दो जोरदार छक्के और बहुत ही उम्दा कमबैक कर्नल जाहिद की जानिब से। फरहान नज़ीर जो इस वक्त अंपायरिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा लीनियंसी का मुजाहरा किया है, क्योंकि अभी तक हमने सरवर भट्टी को देखा है कि वो बड़े स्ट्रिक्ट रहे हैं, बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया उन्होंने वाइड और नो बॉल्स में। जी हाँ, सरवर भट्टी ने बहुत मुतासिर किया है, उनका अंदाज बहुत मुनफरिद है, और उसके अलावा अंपायरिंग में जो उनका मयार है वो भी यकीनन यकता है। इस पर फिर ऑफ स्टंप से बाहर गेंद, फुल टॉस, लो फुल टॉस थी, और ये हमारे कमेंट्री बॉक्स के दाएं जानिब ये बॉल बिल्डिंग को हिट किया और खुशी की लहर दौड़ गई है बैटिंग कैंप में। आई बेग योर पार्डन, इस सादी राजपूत इस मैच में या अंपायरिंग के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। हमारी कोशिश है कि मैच ऑफिशियल्स भी हर मैच में चेंज होते रहें, क्योंकि यही मौका होता है हर टैलेंट को आजमाने का। अंपायरिंग भी एक एक, 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 एक टैलेंट रिक्वायर करती है फरहान। जी हाँ, ये सादी राजपूत है, और कल मैंने इनसे ये पूछा कि आप खेल रहे हैं या आप अंपायरिंग कर रहे हैं, क्योंकि बड़े अच्छे फिट हैं और सरवर भट्टी जो है वो हमारे साथ ही यहाँ पर मौजूद हैं, और बहुत उम्दा अंपायरिंग सिलेक्शन किया है यहाँ पर मारखोर क्रिकेट लीग ने। जियो सुपर प्रोडक्शन मुलाहिज़ा कर रहे हैं आप, कर्नल जाहिद ऑपरेटिंग फॉर हिज टीम, उनके सामने उसामा अली, थोड़े से नर्वस लग रहे हैं बट अभी तक अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया है, 12 गेंदों पर 28 रन बना चुके हैं। और ये आखिरी गेंद थी, पीछे गिरा बॉल और इसको पुल कर दिया, एक और छक्का, ये महंगा ओवर, और कप्तान तैमूर मिर्ज़ा ने खुलकर दाद दी है उसामा अली को, और चार ओवर्स का खेल यहाँ मुकम्मल हुआ। स्कोर है 61 रन एक विकेट के नुकसान पर। और एक बार फिर एक्शन रीप्ले में आपने देखा शानदार शॉट और शानदार कैमरा वर्क। होपफुली आप लोग इन्जॉय कर रहे होंगे, कुछ ट्विटर पे फीडबैक भी हमें मिल रहा था फरहान, और अच्छा फीडबैक है, लोग इन्जॉय कर रहे हैं टेप बॉल स्टार्स को देखकर, बड़ी फैन फॉलोइंग है, डाई हार्ड फैंस हैं टेप बॉल क्रिकेटर्स के। एग्जैक्टली, अब सरमद आए हैं बॉलिंग करने के लिए, पाँचवें ओवर का आगाज करेंगे। रफ्तार इतनी नहीं ऑफ स्टंप से, काफ़ी बाहर गेंद था, अंपायर ने अपने दोनों हाथ खोले, वाइड का सिग्नल दिया, तो एक और रन यहाँ पर मिला पैंथर्स को। रफ्तार यकीनी तौर पर कम है सरमद की, बट ऐसा लगता है कटर्स पर ज़्यादा फोकस करेंगे। इस बार भी अपनी उंगलियाँ फेरी थी, बॉल को बाहर की तरफ निकालना चाह रहे थे लेकिन कुछ ज़्यादा ही बाहर कर गए। जो दो टॉप बॉलर्स हैं उनके दो दो ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं, तो अब आखिरी दो ओवर्स में देखना होगा कि जो नए बॉलर्स हैं वो क्या करते हैं। पीछे गिरा हुआ गेंद था, रफ्तार कम थी, इसको वेट किया और पुल कर दिया यहाँ पर, बहुत ही शानदार शॉट, और अंपायर भी देख रहे हैं, फील्डर से पूछ रहे हैं, और अंपायर का सिग्नल चार रन्स, ये बहुत ही सीनियर अंपायर हैं। बिल्कुल, अशरफ भट्टी का इशारा चौके का, 29 रन दरकार है अब, इनफैक्ट इस चौके के बाद 25 रन दरकार होंगे 11 गेंदों पर। इट वॉज नॉट दैट एन ईजी डिलीवरी फरहान, क्योंकि बॉल थोड़ा अंदर की तरफ काटा भी था सरमद ने। फिर ऑफ स्टंप से बाहर हो रही है, जोरदार बुलंदो बाला छक्का, हवा से बातें करता हुआ किरा स्टैंड्स के अंदर। और कल दानिश हमने देखा था कि पांचवें ओवर में फैसला हुआ था, चार ओवर्स बहुत अच्छे थे, और आज भी लगता है कि वही चीज रिपीट होने जा रही है। आप इसका मतलब इसी ओवर में मैच खत्म होता देख रहे हैं फरहान? चले देखते हैं, लेट्स सी। अभी तक जितनी भी फिनिशेस हमने टूर्नामेंट देखी हैं सारी आखिरी ओवर तक गई हैं, एक आध मैच में थोड़ा सा आसानी से जीत गई हैं टीमें, बट इसमें ऐसा लग रहा है कि बैट्समैन ले जाएंगे मैच इसी ओवर। जी, हदफ बहुत आसान हो गया है, और नासिर जिनका ताल्लुक फैसलाबाद से है, फैसलाबाद ने बहुत उम्दा खिलाड़ी पाकिस्तान क्रिकेट को दिए हैं, और टेप बॉल क्रिकेट में नासिर से बड़ा नाम कोई नहीं है फैसलाबाद में।
बट वो ऑफ स्टंप से बाहर गेंद था और बहुत स्लो बॉल था, लेकिन वाइड अंपायर ने करार दिया और एक और रन का इजाफा यहाँ पर हुआ। अच्छी प्रेजेंस ऑफ माइंड का मुजाहरा किया इस वक्त बैट्समैन ने और बॉल को जाने दिया। हालांकि जिस फ्रेम ऑफ माइंड में वो हैं उनको तो हर बॉल के लिए बल्ला घुमाना चाहिए, बट दिस शोज के अपना दिमाग उन्होंने सही जगह पर रखा हुआ है, ज़्यादा बहक नहीं रहे और प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल कम ही देखने को मिलता है टेप बॉल क्रिकेट में। एक ही बात जेहन में होती है कि बल्ला घुमाओ, छक्का लगाओ। और इस वक्त फिर स्लो बॉल था, डिसीव की अपनी पेस से विकेट कीपर इस बॉल को नहीं रोक पाए, लेकिन एक ही रन मिलेगा लेग बाय का और अब 9 गेंदों पर 17 रन दरकार है। बाकी मगर फरहान, इस किस्म की बॉलिंग किसी और लेवल की क्रिकेट में हो रही हो तो शायद बैट्समैन के लिए इतना आसान नहीं होगा, बट ये लेवल ही और है बैट्समैनशिप का, ये प्लेयर्स ही और हैं, इतने मंजे हुए हैं कि इनको बाकायदा इन्विटेशंस मिलती हैं टीमों के लिए खेलने के लिए, इनको बाकायदा मुआवजे मिलते हैं टीमों के खेलने के लिए, और फिर ये इतनी क्रिकेट खेल चुके हैं कि एक दूसरे के मिजाज को भी समझते हैं। बिल्कुल, और जैसे आपने पहले बात की कि ड्राफ्टिंग हुई है, तो ये पाकिस्तान की जो क्रीम है टेप बॉल क्रिकेट की, और पूरे पाकिस्तान से आप ग्वादर से लेकर खैबर तक ये तमाम इलाकों के खिलाड़ी यहाँ पर हमें एक्शन में दिखाई दे रहे हैं, सितारे हैं टेप बॉल क्रिकेट के जो आज यहाँ पर गुजरावाला में मौजूद हैं। मतलब फिर पीछे गिरा हुआ गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, इसको स्मैच किया और दो फील्डर्स के दरमियान से होता हुआ गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर और अंपायर का इशारा 6 रन और अब हदफ बहुत ही आसान होता जा रहा है दानिश। दैट वाज अ फ्लैट बैटेड फ्लैट सिक्स, बुलेट की तरह बॉल गई दोनों फील्डर्स के बीच में से, और ये मुश्किल शॉट था, ऑफ स्टंप से काफी बाहर था, जिसको खेला उन्होंने लॉन्ग ऑन की जानिब। बॉलर दबाव में है, 11 रन अब दरकार हैं। इस बार तो फिर ऑफ स्टंप से बाहर किया, यॉर्कर लेंथ पर इसको कनेक्ट नहीं कर पाए, एक ही रन मिलेगा। एक बात तो यकीन हो गई यहाँ पर फरहान, इस ओवर में तो मैच खत्म नहीं हो रहा, अलबत्ता अगले ओवर की पहली दो बॉल्स पे जरूर खत्म हो सकता है। यहाँ पर अगर एक छक्का आ जाता है तो पहली बॉल पे खत्म हो सकता है, तो वी विल गिव यू दैट विन। और यहाँ पर कल भी हमने देखा कि पिछले मैच में भी जो माउंटेन की टीम थी उन्होंने अपने जो टॉप बॉलर्स उनसे पहले 4 ओवर्स करवा लिए और फिर 5वां ओवर भारी पड़ गया, और आज यहाँ पर भी हमें ऐसा ही दिखाई दे रहा है। तो फिर शॉर्ट बॉल था और अगर बॉल को बीट किया लेकिन विकेट कीपर गेंद को नहीं रोक सके, यहाँ पर एक और बाई का रन मिलेगा। जी, अंपायर ने सिग्नल दिया बाई का, तो आखिरी ओवर और 9 रन दरकार है, 5 ओवर्स का खेल मुकम्मल, 82 पर 1। ये खूबसूरत मंजर गुजरावाला में जिना स्टेडियम का, और ये बॉलिंग एनालिसिस आप देख सकते हैं कि ज़हीर कालिया ने 24 रन दिए 2 ओवर में, कर्नल जाहिद ने 33 रन दिए, दूसरा ओवर उनका बहुत महंगा रहा और सरमद के ओवर में 18 रन आए, और अब सूरत हाल ये है कि चार्जिंग लेपर्ड जो है वो जीत के बिल्कुल करीब है। ये स्टैट्स दिखा रहे हैं कि क्यों ज़हीर कालिया पाकिस्तान की टेप बॉल क्रिकेट में इतना बड़ा नाम है, क्योंकि उनके सामने तैमूर मिर्ज़ा थे लेकिन उनको भी खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया, बड़े एक्सपीरियंस से बड़ी मैच्योरिटी से बॉल करते हुए नज़र आए। और तैमूर मिर्ज़ा जितना बड़ा नाम है टेप बॉल क्रिकेट का, पहले 2 दिन वो वैसी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, और ये हसनैन बुखारी हैं वापडा के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेल चुके हैं, और पहले ही ओवर में उन्होंने कैच भी ड्रॉप कर दिया था, उसका अजाला करना होगा यहाँ पर उन्हें। आउच इसलिए बिकॉज अगर कोई एक प्लेयर एक क्रिकेटर हार्ड बॉल क्रिकेट खेल चुका है और अच्छे डिपार्ट के लिए खेल चुका है तो उससे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाती हैं, एटलीस्ट मिस फील्डिंग की एक्सपेक्टेशन उससे नहीं रखी जाती। दुरुस्त कह रहे हैं। अब दानिश पहला बॉल आखिरी ओवर का, पीछे गिरा हुआ गेंद और इसको कनेक्ट कर दिया और गेंद हवाओं में उड़ता हुआ गया स्टैंड में और ये छक्का, और ये अब जीत का ऐलान है। 5 गेंदों पर सिर्फ 3 रन दरकार हैं और चार्जिंग लेपर्ड जो हैं वो चार्ज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे नासिर को पता था एग्जैक्टली यही बॉल आएगी, तैयार थे बिल्कुल इसके लिए, अपना पूरा टाइम लेकर जमा के मिला के मारा है। और बॉडी लैंग्वेज अब बिल्कुल गिरी हुई है बॉलिंग साइड की, 5 गेंदों पर 3 रन। ये आगे गिरा हुआ गेंद फुल टॉस था, लो फुल टॉस,
यहाँ पर एक ही रन मिलेगा। दूसरे रन के लिए वापसी और बड़ी आसानी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने दो रन मुकम्मल किए और अब डग आउट में तमाम खिलाड़ी खड़े हो चुके हैं और अब वो भागने के लिए मैदान में आने के लिए तैयार हैं। सिर्फ एक रन चाहिए चार गेंदों पर। बिल्कुल मैच यहाँ पर टाई हो चुका है और अब तो शायद मिरेकल भी ये मैच नहीं बचा सकता। चार्जिंग लेपर्ड्स के लिए स्ट्राइकिंग पैंथर्स आज कंसेक्यूटिवली अपना दूसरा मैच जीतने में कामयाब होंगे। गुड स्टफ बाय गुड टीम। और आखिरी गेंद फुल टॉस और इसको बाउंड्री के बाहर भेजा और यूं स्ट्राइकिंग पैंथर्स की जीत का ऐलान। मुसलसल दूसरी कामयाबी यहां पर हासिल की है तैमूर मिर्ज़ा की टीम ने और उसामा अली दूसरे मैच के भी हीरो और ये तैमूर मिर्ज़ा अपने फैंस अपने साथियों के साथ मौजूद हैं और खुश हैं और क्यों ना खुश हों कि उनकी टीम ने यकतरफा मुकाबले में यहाँ फतह हासिल की है। और ये बड़ी बात है स्ट्राइकिंग पैंथर्स के लिए कि तैमूर मिर्ज़ा के परफॉर्म ना करने के बावजूद उनकी टीम जीत रही है। रीप्ले में एक बार फिर देखें एक फुल टॉस डिलीवरी थी जिसको वह उठा के फेंका डीप मिड विकेट के ऊपर से और छक्का हासिल किया। सो कमिंग बैक टू दैट पॉइंट फरहान, तैमूर मिर्ज़ा इतने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रहे लेकिन उनके दीगर प्लेयर्स अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। जब तैमूर मिर्ज़ा अच्छा खेलेंगे तो इस टीम को बीट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। जी हाँ, अभी ये इब्तदाई मराहल हैं इस टूर्नामेंट के लेकिन यूं लगता है कि जो स्ट्राइकिंग पैंथर्स हैं ये फेवरेट बनते जा रहे हैं। पहले दो मैचेस में जैसी उन्होंने परफॉर्मेंस दी है बिल्कुल। विनिंग टीम एक बार फिर हडल में मौजूद और अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए मैच से पहले भी और मैच के बाद भी हमने ये रिवायत देखी है। बड़ी मेहनत कर रहे हैं ये तमाम क्रिकेटर्स इस टूर्नामेंट में अपने जलवे दिखाने के लिए। और फरहान एक चीज़ जो बड़ी खुशाइंद है कि टेप बॉल क्रिकेटर्स अब टेलीविजन पर अपनी स्किल्स दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। दिस वुड मेक द जॉब ऑफ PSL स्काउट्स ईजियर टू क्योंकि उनको इस टैलेंट को स्पॉट करने में इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। पहले तो खुद स्पॉट कर रहे थे अब टीवी पर नज़र आ रहा है। जी हाँ, ये स्काउटिंग के लिए बहुत अच्छा ये इवेंट है और ख़ास तौर पर फास्ट बॉलर्स जो हैं और ये स्ट्राइकिंग पैंथर्स का बैटिंग कार्ड आप देख सकते हैं। तैमूर मिर्ज़ा की आपने बात की, सिर्फ 21 रन बना सके 11 गेंदों पर ये, लेकिन उसामा की बैटिंग देखिए 14 गेंदों पर 41 रन नाकाबले शिकस्त और फिर नासिर पठान ने सिर्फ 9 गेंदों पर 27 रन बनाए और छठे ओवर की तीसरी गेंद पर कामयाबी हासिल कर ली स्ट्राइकिंग पैंथर्स ने। इवन दो चार्जिंग लेपर्स मैच हार गए लेकिन उनकी बॉलर्स की तरफ से अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया गया। 40.67 की औसत से बॉलिंग की हसनैन शाह ने, बाकायदा लूटा गया उनको। अलबत्त ज़हीर कालिया अपनी टीम के लिए स्टार थे इवन दो उनकी टीम मैच हार गई। दो ओवर्स में 24 रन लेकर एक विकेट हासिल किए सरप्राइज विकेट ऑफ तैमूर मिर्ज़ा। सो हियर्स द मैच समरी, चार्जिंग लेपर्स गॉट डिफीटेड बाय द स्ट्राइकिंग पैंथर्स। स्ट्राइकिंग पैंथर्स वन बाय 9 विकेट्स, ए कन्विंसिंग विक्ट्री थी